से आप ना रोज़ रिमाइंडर्स भी देती होंगी अपने आप को डेली टू स्टे पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल क्योंकि जब आप ज़िंदगी में इतनी चीज़ से गुजर चुके हो hmm. तो फिर आपको जो आप कह रही हैं ना तब फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि भाई आपको नहीं पता मुसीबत होती क्या चीज़ है नहीं मुझे कोई भी चीज़ राबिया लोगों की कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हम्स आते हैं ना hmm. तो मैं कहती हूँ तो कोई बड़ी बात ही नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं इसका भी seen हल? So much. Huh? Because मैं ड्राइविंग सीट पर रही ना बहुत सालों तक अब mm -hmm. मैं पैसेंजर सीट पर आ गई हूँ मैंने सीट बेल्ट लगाई है एंड जर्नी आउट ऑफ दिन कहाँ लेके जाएंगे आप <laughs> अच्छा वहाँ ले अच्छा लेके जाना ठीक है अच्छा यहाँ जाना है अच्छा ये है mm -hmm. अब ये मैं, मैं इस तरह हाई फ्रिक्वेंसी परेट करती हूँ बट माएँ जब एक टाइम पे आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ आ रही थी द वॉज अ टाइम राइट जब लाइक इट वाज मुझे लगता है सर कोई खड़ा है ना यहां से पड़ी है यहां से पढ़िए यहां, यहां से पड़ी है कैसे हाउ डिड यू मैनेज टू गो ऑन टू डि और फिर खड़ी कैसे हुई क्या प्रोसेस था लोगों ने आसपास के घर वालों ने दोस्तों ने साथियों ने पकड़ा उठाया या आपने खुद एक दिन सोचा कि बस अब नहीं रो सकती मैं और बहुत हो गया और आप क्या कहेंगी उन तमाम लोगों को जो इसी तरह जो रोज़ सुबह उठते हैं तो उनका दिल नहीं चाहता बिस्तर से निकलने को क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे आज ये चैलेंज फील करना है फेस करना है मुझे आज ये दुख देखना है एंड देर इज़ नो वे आउट मैं टूटी थी टूटी थी डरी थी अंडर थ्रेड थी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी अल्लाह क्या क्या अल्लाह जी क्या है क्या मुसीबत है क्या क्यों हो गया ये मैं क्या करूँ ये सब कुछ है मेरे साथ लेकिन फिर उसके बाद शायद वक्त ने मुझे इतना वो कहता है ना मार मार के मार मार hmm. के मार मार के मार मार के उस जगह पर मुझे ले आया अब क्या करोगे फिनिक्स बनगी रोज फ्रॉम देश तो वो लगा मुझे लिटरली फील हुआ कि अब कुछ लगता ही नहीं है अब कुछ फील ही नहीं होता yeah. अब कुछ स्ट्रेस ही नहीं लगता yeah. अभी होता है कि हाँ गुस्सा अभी भी आता है तब अभी भी चढ़ती है बर्दाश्त अभी भी नहीं हो रहा होता लेकिन ये हो रहा होता कि यार मैं कर कुछ नहीं सकती हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ तो ये कर सकती हूँ कि इस टाइम में देखें किसी ने क्या खूब कहा अपनी किताब में डिले विल हैपन डिले विल हैपन बट वॉट यू चूज़ टू डू इन दैट डिले विल डिफ़ाइन योर जर्नी वो तो आएगा मैं आपसे कह रही हूँ यूट्यूब चैनल पक्का है और उसके बीस परसेंट कमीशन मेरा होगा क्योंकि ये आइडिया मैंने दिया है आपके <laughs>

डाइवोर्स से भी आप गुजरी जी ठीक है वी आर नॉट नाट गो थ्रू द बात या डिटेल ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था आपके लिए और हम ऑफ कैमरा भी जो आपने ख़ुद मुझे स्टोरी बताई तो उसमें आपने जो बात बोली ना कि राबिया मैं प्यार में बिल्कुल ना ब्लाइंड हो गई थी जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी एंड आई थॉट कि ये इतनी इंटरेस्टिंग uh, बात है जब हम देखते हैं आसपास यंग लड़कियों को भी कि वो ही होता है प्यार में आपको रेड फ्लैग्स नजर नहीं आते एंड देन द प्रेशर क्योंकि एक दफ़ा पहले भी आपका निकाज जो था वो खत्म हुआ था तो प्रेशर भी है कि नहीं अब तो मुझे इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है हाउ वाज ऑल दीस थिंग्स प्लेइंग ऑन योर माइंड और आप जो लोग वही रेड फ्लैग्स पे जो हम बात करें उसके बारे में क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी देखिए रेड फ्लैग्स होते हैं ठीक है आप चूज करते हैं उनको ओवरसी करके चूज करते हैं इग्नोर करके आपने कैसे इग्नोर किया बिकॉज मैं मैं भी उसी तरह एक लड़की थी जो hmm. वो देख रही थी वो वो देख रही थी वो देखना चाहती थी hmm. वो वो नहीं देख रही थी जो असल में था तो अगर आपको कोई चीज बॉडर करती थी तो आप उसको इग्नोर कर देती है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये ये इग्नोर करता है नहीं करना चाहिए कोई कोई बात नहीं नहीं इग्नोर क्यों करना है बिकॉज देखिए हम कोई सेंसेशनलिज्म के लिए बात करें हम हम इसलिए लाते हैं बिकॉज दे आर सो मेनी पीपल यू एंड आई थिंक क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशन होगी तो लड़कियों तो को एक दोबारा से स्ट्रेंथन होता है कि नहीं अगर कोई चीज बॉर्डर है डोंट लेट इट गो टॉक अबाउट इट वर्क ए डाउट और थिंक अबाउट देखिए जब आप अपनी अपनी चॉइसेस पर अपनी जिंदगी बेस करना शुरू करते हैं तो आप लोगों से बात भी नहीं कर पाते हैं ये आपके साथ हुआ हो हाँ, हाँ, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं आप किसी को क्या कहेंगे क्योंकि आपको तो सब कह रहे थे कि ये सही नहीं है ओके आपको तो सारे अपनों ने कहा था ये ठीक नहीं है फिर भी आपने किया जब आपने किया तब आप ऑन करें मैं हूँ एगोएस्टिक लड़की मैंने ऑन किया फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने किया है अब तो मैं ऑन करूँगी लेकिन ऑन करने के चक्कर में अपने उस प्रोसेस को जो जल्दी खत्म हो सकता था उसको डिले करते गए तवील करते गए रबर बैंड बनाते गए नहीं ठीक है बन जाए बच जाए निप जाए गुजर जाए बन जाए बच जाए निप जाए गुजर जाए नहीं होता बिकॉज आप फॉल्स होप में थी कि चीज एब्सोल्युटली वो आप फिर टॉक्सिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं hmm. आप कहते हैं दूसरे के लिए मैं अपने आप को बदल रहा हूं बदल रही हूं और उसके बाद आपको लगता है टाइम के बाद जाके आप फट पड़ते हैं बाय द टाइम आप फट पड़ते हैं उसमें अक्सर लोग बहुत देर कर देते हैं आई वॉज लकी विद इन टाइम विद एवरी थिंग इन लाइफ अल्लाह का शुक्र है सिर्फ माल गया ना मसला नहीं है माल mm. का दुनिया में आके बनाया था दुनिया में दोबारा बना लेंगे और वहीं रह जाएगा mm. बात यह है कि एक्सपीरियंस क्या हासिल किया हम मैंने और आपने सीखा क्या mm. रेड फ्लैग इग्नोर नहीं करने चाहिए अगर आपको लगता है किसी भी रिलेशनशिप में यार ये मुझे खटका हुआ वो खटका ऊपर वाले की तरफ से आपको एक नॉक होता है उस नॉक को नज़रअंदाज ना करें देखें ये क्या yeah. चीज है yeah. सोचें परखें जिंदगी का हमारे यहाँ ना जैसे ही हम पैदा होते हैं लड़कियां तो ये होता है कि शादी 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 और शादी के बगैर तो कोई चीज है नहीं और अकेले रहने का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट पीपल हो हमारा फैमिली पे बुनियाद है ना हुँ. तो अकेले रहना बहुत मुश्किल हो तो इस जहन से इस दिमाग से ना अपनी उस पार्ट को कैसे हटाया दैट इट्स ओके दैट इन यू सी मेरी ओके कि मैं अपने साथ हूँ मैं अकेले रह रही हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कोई है या नहीं है आई एम ओके टू बी ऑन माय ओन ये प्रोसेस कैसे ख़त्म किया ये पार्ट का दिमाग का हिस्सा कैसे निकाला कोई कोई फार्मूला तो नहीं है कोई फार्मूला नहीं है कहते ना लोग क्या थी क्या हो रहा था मैंने कहा लाइफ वट ओके मतलब मुझे नहीं पता कब हुआ कैसे हुआ मैं क्यों और फ़लाँ फ़लाँ तारीख थी चाँद यूँ निकला था और हवा यूँ ही चल रही थी ऐसा कुछ नहीं, नहीं था हालात होते हैं वाक़ होते हैं चीज़ें होती हैं एब्जॉर्ब करते हैं इंड्योर करते हैं समझते हैं देखते हैं संभलते हैं सांस लेते हैं कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अब ये करना है एंड दिस हैपेंस हम संभलते नहीं हैं समझते नहीं हैं दो सेकंड के रुकते नहीं लाइफ का घोटाला बना दिए थे मैंने भी बनाया फिर उसके बजाय के सॉट आउट किया अब क्या होता है जब तो आपने मिस्टर Mr. मिसेस की बात की वो ये होता है कि जब हम जिंदगी भर दूसरों के साथ कंपनी में रहकर अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं हम अपने आप से डिसकनेक्ट हो जाते हैं हम अपने आप से नहीं मिलते जब आप अपने आप से मिलते हैं अपने आप से दोस्ती करते हैं आपको समझ में आता है अल्लाह मैं तो कितना इंटरटेनिंग हूँ <laughs> okay. मैं तो बहुत इंटरटेनिंग हूँ मैं मज़े मज़े की हरकतें करती रहती हूँ अपने आप से बातें करती रहती हूँ चार सब भाई गुजरने गुजरेगा उन्होंने क्या हो गया सॉरी yeah. मतलब ये करती हूँ मैं क्यों क्योंकि आई लव माई कंपनी आई एम नॉट सैड आई एम अलोन लाला आई एम नॉट डिप्रेस्ड आई एम अलोन आई एम इन द बेस्ट फॉर्म मैं श्रेक की तरह सोफे पर जाके पढ़ती yeah. हूँ अपने और मैं जब लगाती हूँ तो खबरें देखूंगी yeah. जो मेरा मर्जी आएगा फोन इज रिंगिंग यू सी हू इज़ कॉलिंग यू स्टिल चूज नॉट टू पिक अप दैट्स योर राइट

Or root yeah. Or root. That's very important. Be humble, yeah. be kind, be humble, kind, empathetic, and live your life. तो वहा उनको तो okay, okay. तो तो जब फांसी हुई 60, okay, तो ये लोग वापस आए मैं आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी अबू सफ़ी थे और आपके जो ताया थे वो भी एक बहुत ह्यूमन राइट्स कमीशन थे एंड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जब कुछ लाइफ में होता है तो एक तो आप उस चीज़ से गुजर ही रहे होते हैं ट्रॉमा hmm. से फिर ऊपर से ये प्रेशर भी होता है कि यार हमारी फैमिली hmm. उसके ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है या हम उसको किस तरह रिप्रजेंट कर रहे हैं देखिए आप दुनिया के लिए कुछ भी करते हो लेकिन आपका जब अपना घर का बच्चा किसी दर्द से गुजरता है तो वो आपको डबल दर्द होता है एक तो एक इंसानियत वाला रिश्ते का और दूसरा खून का उनका घर का बच्चा बहुत सारे ट्रॉमा से गुज़र रहा था एंड ऑब्वियसली जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा होता है कि यार हम, हम किस तरीके से इनको मजबूत करें किस तरह तो उन बड़ों का तरीका होता है चलिए उठिए शाबश हिम्मत पकड़िए उनका वो कमज़ोर पड़ना नहीं होता उनको उस वक्त मज़बूत होना जब वो मज़बूत होते हैं कहते हैं यार ये हम हाँ, ये मज़बूत हो तो हमें भी मज़बूत होना है तो फिर हम उस तरह उस उनको देख कर फिर हम इंस्परेशन में हम भी मज़बूत हो गए मैं ये जानना चाहती थी जैसे डाइवोस के वक्त भी और बाकी चीज़ों के वक्त भी आपको ये होता था कि यार उफ, ये प्रेशर भी है कि मेरी वजह से इन लोगों को क्या फ़ेस करना पड़ेगा ये होता कि जहन में आती थी बहुत 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 इस चीज़ ने तो बहुत अरसे तक बहुत सारे स्टेप्स लेने से रोका रखा नहीं यार दोबारा अगर हो गया तो क्या कहेंगे लोग घर वालों को क्या होगा ये होगा वो होगा धब्बा आ जाएगा फला आ जाएगा ये सब हमारी सोच में होता है ऐसा